Hi, this is Meghna Thwari. You guys are watching me on Bollywood Helpline. गदर 2 बॉक्स ऑफिस पर गदर मचाते जा रहा है. 22 साल पहले जितना लोगों को इस फिल्म के लिए क्रेज था वो अभी फिर से देखने को मिल रहा है. जहां थिएटर में लोग हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं वहीं लोग इसी फिल्म के गाने पर झूम कर नाच रहे हैं. अगर मैं बात करूँ इसकी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की तो इस फिल्म ने 5वें दिन ही रिकॉर्ड ब्रेक कर लिया है. इस फिल्म ने 230 करोड़ का कलेक्शन अब तक कर लिया है. आपको बता दें ये फिल्म 2023 की दूसरी ऐसी फिल्म होगी शायद जो इतने ज़्यादा कलेक्शन कर रही है. द केरला स्टोरी के बाद अगर कोई फिल्म इस लाइन में आई है 200 करोड़ के आसपास तो ये फिल्म गदर 2 है. 2023 के सबसे ज़्यादा कमाने वाली ये फिल्म हो सकती है. इस फिल्म की बात करूँ तो ये ऐसे डेट पर रिलीज किया गया जहाँ पे मेकर्स ने अपने दिमाग का इस्तेमाल किया और ऐसे डेट पर इस फिल्म को रिलीज किया जहाँ पे छुट्टियां हैं. 15 अगस्त के मौके पर इस फिल्म ने 55 करोड़ का आंकड़ा पार किया है. इस फिल्म ने लोगों को उतना ही कनेक्ट किया जितना 22 साल पहले कनेक्ट किया था. इस फिल्म के प्रमोशन की बात करूं तो फिल्म के अभिनेता सनी देओल और हमारी अमीषा पटेल जी खुद जाकर थिएटर में फैंस को अपने मिल रहे हैं. आपको गदर फिल्म कैसी लगी है? अगर आपने इस फिल्म को देखा है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और ऐसे ही अपडेट के लिए देखते रहिए बॉलीवुड.